संयुक्त मोर्चे से मैं अपील करना चाहूँगा, अकबे जो क्षेत्र में जो भारी नुकसान जो क्षेत्र के लोगों ने झेला और जो किसान आंदोलन में हमारे साथ थे, आज हमने उनके हित को देखते हुए अपना आंदोलन स्थगित करके अब घर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी एक प्रमुख मांग थी एक बिल वापसी तो घर वापसी। आज माननीय प्रधानमंत्री ने और कोर्ट में इसमें संसद में तीनों बिल वापस लेके किसानों का जो अपने वचन का पूरा पालन किया, तो किसानों ने भी अपने वचन का पालन करना चाहिए। इसमें आपने एक बात देखी होगी, जो विपक्ष की पार्टियां थी वे हमेशा इस बात पर बोलती थी कि हम किसानों के साथ खड़े, लेकिन जब कल बिल वापस हो रहे थे तो उन्होंने किस तरह नंगा डालने का काम किया। आपने देखा होगा कि कोई किसानों ने यह संघर्ष अपने आप लड़ा पूरे का पूरा। मैं शुरू से लेके जिस दिन से बिल बने, मैंने SDM सोनीपत को भी, DC सोनीपत को भी ज्ञापन देने का काम किया, मैंने यहाँ पर अलीपुर में DC को भी ज्ञापन देने का काम किया। हमेशा उसी दिन से मैं इस आंदोलन के साथ और संयुक्त मोर्चे की हर एक मीटिंग में मैं शरीक रहा हूँ, और 29 तारीख तक मैंने तन मन धन से इस आंदोलन की वो सेवा की है। और अब लेकिन लोगों का रोष देखते हुए अब खुद हमने इनकी तरफ दो हाथ बढ़ाने चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री ने जो जो फैसला जो किसानों के हित की बात की है उसका हम हमेशा सम्मान करेंगे। और इस बात के ऊपर मैं इतना माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पूरे किसान समाज की तरफ से, अब उन्होंने ये जो मांग के किसान समाज का सर गर्व से ऊंचा किया है। वो लेकिन कुछ राजनीतिक अपनी राजनीति को भड़काने का काम कर रहे हैं, जैसे मेरे एक UP के नेता हैं, वो खुद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को चमकाने के लिए वो मेरे भोले भाले किसानों को भड़का रहे हैं। वे हमेशा अच्छे बयान दे के हमेशा ये आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का काम किया, जो किसान समाज आज पूरी तरह समझ चुका है। और शुरुआती जोर से जब आप यहाँ पे थे, कैसे भूमिका आपने निभाई थी, किन पद पे थे, मीटिंगों में आपने बताया साथ थे मीटिंगों में, और मेरे क्षेत्र के जितने भी किसान हैं या इस आंदोलनों में टीकरी बॉर्डर सिंघू बॉर्डर हमेशा रसद पहुंचाने का काम किया है, और पूरे के पूरे आंदोलन में हम शुरू से अब तक शरीक रहे हैं। हम किसान हित में जहाँ पर बात होगी, हमने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी भूमि अधिग्रहण बिल में आंदोलन लड़ने का काम किया था, आज ये बिल आए तो इनको भी वापस करने तक हमने लड़ाई लड़ी है। इसमें शुरू से लेकर अब तक मेरे क्षेत्र के किसानों की पूरी भागीदारी पूरी रही। आपके संगठन का क्या नाम है, आप किस पद पर? मैं सतीश नंबरदार भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। तो अब आप दिल्ली के किसानों के साथ वापस हटे हैं या हरियाणा के किसान भी आप लोगों के साथ? मेरे साथ हरियाणा की भी कुछ जत्थेबंदी है और दिल्ली के किसान भी मेरे साथ है। अगर जो संयुक्त मोर्चा इसी तरह अड़िग रहा तो मैं 12 दिसंबर को जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठूंगा, क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी की नीतियों पर चलने वाले हैं, ना कि कोई हम लड़ाका है। हमारा किसी से बैर नहीं, और मैं खुद 12 तारीख को इस आंदोलन के खिलाफ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री की जिस चीज़ की हमारी लड़ाई थी वह लड़ाई समाप्त हो चुकी है। अब कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग इस पर बैठने का भड़काने का काम कर रहे हैं। चढ़ूनी है आप लोगों के मुख्य नेता है संगठन के, वो आपके साथ हैं इस बात पे या उनका? मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र का रिप्रेजेंट करता हूँ वे क्षेत्र के लोग मेरे साथ हैं, और अब आंदोलन वापसी के लिए सब के सब मेरे साथ हैं। माननीय चढ़ूनी जी का अपने कुछ विचार होंगे, लेकिन इस विचारधारा से आगे आंदोलन बढ़ाने के पक्ष में मैं अब नहीं हूँ, क्योंकि क्षेत्र की जनता का दुख देखते हुए अब हमें यह आंदोलन वापस लेना चाहिए। तो कितने लोग हैं आप लोगों के साथ जो वापस? मेरे साथ काफ़ी जत्थेबंदियाँ हैं, हरियाणा के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, पूरे का। अब आप लोगों का कोई टेंट नहीं है सिंगू पे, आपने हटा लिया या? नहीं, अभी हमारा टेंट है, लेकिन मैं माननीय अपनी यूनियन से भी अपील करता हूँ, अब हमें आंदोलन वापस लेगा घर की तरफ जाना चाहिए। सब वे मेरे को यूनियन में रखे ना रखे, इसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्योंकि किसानों के साथ हूँ, किसानों के साथ हूँ, और किसानों की लड़ाई मैं ऐसे ही लड़ता रहूँगा।